कल्चर स्टडीज टीचर्स नाजिया आतिफ. टुडे आई एम डिस्कसिंग अ टॉपिक विच इज़ माय नेबरहुड. माय नेबरहुड, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ नेबरहुड. ठीक है, माय नेबरहुड में क्या होगा, द एरिया अराउंड आर होम्स इज आर नेबरहुड. देर आर मैनी पीपल्स एंड प्लेसेज इन आर नेबरहुड. वी शुड नो आर नेबरहुड वेल. सबसे पहले तो आपको नेबरहुड के बारे में पता होना है व्हाट इज़ नेबरहुड. नेबरहुड क्या है, दरअसल नेबरहुड जो है हमारे हमसाए, हमारे हमसाए में कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी प्लेसेस हैं, यानी ऐसी प्लेसेस जो कि हमारे घर के आसपास होती हैं उन्हें नेबरहुड कहा जाता है. तो नेबरहुड में जो है हमने अपने इर्द गिर्द के प्लेसेस के बारे में जाना है कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो हमारे घर के आसपास मौजूद हैं. लेट्स वी नो गो टू द अमजद नेबरहुड. हम अमजद के नेबरहुड में जो जो प्लेसेस हैं उनके बारे में जानते हैं आज. सो वी डिस्कस दीज प्लेसेस. सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्कूल, आर स्कूल, हमारा स्कूल जो है इसके बारे में जानते हैं. जैसे कि अमजद जो है वो उसके नेबरहुड में एक स्कूल है. तो आई गो टू द स्कूल एंड आई लर्न सो मैनी थिंग्स इन आर स्कूल. इसके अलावा वी प्ले गेम्स इन आर स्कूल. हम अपने स्कूल में जो है वो गेम्स भी खेलते हैं, चीज़ों के बारे में सीखते भी हैं. इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है अपने फ्रेंड्स और बहुत सारे फ्रेंड्स भी अपने बनाते हैं जो कि हमें स्कूल में जो है वो मिलते हैं और उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं. और इसके साथ साथ है एक मार्केट जो है वो भी अमजद के नेबरहुड में मौजूद है. देर इज़ अ बिग मार्केट इन अमजद नेबरहुड. उसके घर के पास एक बड़ी मार्केट है. तो लोग जो है पीपल गो देयर फॉर शॉपिंग एंड इसके अलावा जो है पीपल गो देयर फॉर शॉपिंग एज वेल एज दे बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी. मार्केट में हमारे पास जो है वो ख़रीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि आपको बताया भी गया है कि हम ग्रोसरी वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं मार्केट में जब जाते हैं. उसके अलावा जो है हम लोग मार्केट में जाके सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स बाय करते हैं. उसके अलावा मार्केट के अलावा हमारे पास जो नेबरहुड में है देर इज़ अ हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल. देर इज़ अ लॉट ऑफ नर्सिस एंड डॉक्टर्स देयर जो कि हमारी जो है वो टेक केयर करते हैं. व्हेन वी गेट इल, जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी जो है वो टेक केयर करते हैं. तो उसके अलावा हमारे नेबरहुड में जो अमजद का नेबरहुड है उसमें और कौन कौन सी होंगी जो प्लेसेस हैं, लेट्स सी. जैसे कि उसके अलावा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे. पोस्ट ऑफिस है एक, और पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम अपने लेटर जो है उनको जो है वो लेटर जो है वो पोस्ट करके आते हैं. और पोस्ट ऑफिस में बाजू का जो पोस्टमैन होता है वो डिलीवर करता है हमारे जो पोस्ट कार्ड होते हैं, पार्सल्स जो होते हैं वो भी डिलीवर किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में. उसके अलावा हम टिकट जो है वो भी वहाँ से बाय करते हैं. उसके बाद पुलिस स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन इज़ द ऑफिस ऑफ द पुलिस. और पुलिस क्या करती है, दे हेल्प द पीपल एंड प्रोटेक्ट द पीपल. वो लोगों की जो है वो मदद भी करते हैं और उनकी हिफाजत के लिए भी वहाँ पे जो है मौजूद होते हैं. तो अगर हमें कोई भी परेशानी अगर होती है या किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट हो जाता है तो जो पुलिस मैन जो है या पुलिस स्टेशन में जो पुलिस है वो हमारी हेल्प जो है वो करते हैं. उसके बाद जो है वो मॉस्क है. देर इज़ अ बिग मॉस्क इन आर नेबरहुड. पीपल गो देयर फॉर प्रेयर. हम लोग जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, और जो हमारे नेबर्स होते हैं वो भी मॉस्क जाते हैं फॉर प्रेयर. नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी है. तो लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी में वी हैव लार्ज एंड बिग लाइब्रेरी इन आर नेबरहुड. वी बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. हम वहाँ पे जाके बुक्स भी बोरो करते हैं. उसके अलावा वी रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर आल्सो. हम अपनी जो बुक्स जो हैं वो भी वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. और बाज़ुका जो लाइब्रेरियन होता है, द लाइब्रेरियन हेल्प मी टू चूज़ इंटरेस्टिंग बुक्स. लाइब्रेरियन क्या करती है कि वो हमें इंटरेस्टिंग बुक्स को चूज़ करने में भी हमारी मदद जो है वो करती है. उसके अलावा हमारे नेबरहुड में हमें पार्क जो है वो नज़र आते हैं. वी गो टू द पार्क. हम पार्क में जाते हैं, वी एक्सरसाइज एंड वॉक देयर. लोग जो हैं वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए और वॉक करने के लिए वहाँ पे जाते हैं. उसके बाद हमारे इर्द गिर्द हमें और कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, हमारे घर के इर्द गिर्द हमें कभी कभी रेस्टोरेंट्स भी जो है वो हमारे पास जो है मौजूद होते हैं. और हम समटाइम्स जो है वो वी गो देयर फॉर इंजॉय स्पेशल फूड. हम वहाँ पे जो है वो खाना खाने के लिए या कोई डिलीशियस फूड जो है जो वहाँ का मशहूर होता है, फेमस फूड जो होते हैं उसको खाने के लिए हम रेस्टोरेंट जो जाते हैं. और जो रेस्टोरेंट होता है वो भी क्लीन और टाइडी होना चाहिए.
ताकि हम बैठ के इंजॉय भी कर सकें, हाइजीन के मुताबिक जो है वो वहाँ पे खाना भी जो है वो खा सकें। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हमारे घर के आसपास जो है वो हमें नज़र आती हैं और इनको हम अपने नेबरहुड में जो है वो शामिल करते हैं। इसके अलावा अपने नेबरहुड को हम किस तरह जो है वो क्लीन कर सकते हैं, हाउ शुड वी कीप आर नेबरहुड क्लीन। तो मेरा ख्याल है कि हर कोई जो है, एवरीवन कैन हेल्प अस, हर कोई जो है हमारी मदद कर सकता है अपने नेबरहुड को क्लीन करने में। तो हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए ताकि हमारा नेबरहुड जो है वो क्लीन भी हो। तो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड एंड इन द स्ट्रीट ऑल्सो। हमें जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, वो अपने ग्राउंड में यानी ज़मीन के ऊपर भी नहीं फेंकना चाहिए, या अपनी जो गलियाँ होती हैं वहाँ पर भी जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भी हम अपने नेबरहुड को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा वी डू नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड आर हाउसेस, यानी अपने घरों के नज़दीक जो है वो जो गंदा पानी होता है उसको भी जमा जो है वो करना नहीं चाहिए है, ताकि सफाई का ख़ास ख्याल यानी रखना चाहिए। तो इसमें हर कोई जो है वो हमारी मदद जो है वो कर सकता है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट आर द शॉप्स इन अमजद नेबरहुड मार्केट, यानी अमजद के नेबरहुड की मार्केट में कौन कौन सी शॉप जो है वो मौजूद हैं। There are shops of fruits, vegetables and groceries in the market. उसकी माँ जो अमजद की नेबरहुड है उधर कौन कौन सी शॉप्स मौजूद हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और जो ग्रॉसरी है वो है उसकी शॉप जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर टू है, वी हाउ हेल्प्स अमजद टू चूज़ बुक्स इन द लाइब्रेरी, अमजद जो है वो लाइब्रेरी से कैसे, हु हेल्प अमजद की कौन मदद करता है बुक्स को चूज़ करने में लाइब्रेरी के अंदर जो है वो। तो द लाइब्रेरियन हेल्प्स हिम्स टू चूज़ बुक्स इन द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन होती है वो अमजद की हेल्प करती है बुक्स को चूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट शुड वी नॉट डू इन आ पार्क, हमें पार्क में क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम द पार्क, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम द पार्क, यानी हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो फ्लावर्स होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए और पत्ते जो हैं उनको भी पार्क में जाके उनको तोड़ना नहीं चाहिए, प्लक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ कैन यू हेल्प टू कीप योर नेबरहुड क्लीन, आप अपने नेबरहुड को कैसे जो है वो क्लीन कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड एंड इन द स्ट्रीट, यानी हमें जो कूड़ा करकट है उसको ग्राउंड में या अपनी गली में जो है वो नहीं गिराना चाहिए या फेंकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट अबाउट योर फेवरेट प्लेसेस अराउंड योर हाउसेज, आपके घर के नज़दीक जो आपकी फेवरेट प्लेसेस हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आपने इधर बताना है। माई फेवरेट प्लेस अराउंड माई हाउस इज गार्डन, और मेरा जो फेवरेट प्लेस जो है मेरे घर के नज़दीक जो है वो इज़ गार्डन, वो एक पार्क है। Now we discuss the blanks of this chapter. Filling the blanks, हम start करते हैं। Number वन पे है, we can borrow books from we can borrow books. हम books को जो है वो borrow कर सकते हैं, यानी उधार ले सकते हैं। कहाँ से? From books हम कहाँ से लेते हैं? Library से, क्योंकि library में जाके हमने पढ़ना होता है, वहीं से हम ले भी सकते हैं, borrow करते हैं, फिर उन्हें वापस भी दे देते हैं। तो we can borrow books from a library. तो blanks number टू है, एंड डैश ब्रिंग्स पेशेंट टू द हॉस्पिटल, एंड डैश यानी कौन सी चीज़ जो है वो हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर आती है। जैसे कोई अगर बीमार होता है तो उनको कैसे जो है वो हॉस्पिटल में लेके जाया जा सकता है, तो एन एम्बुलेंस जो है, एक जो एम्बुलेंस होती है वो पेशेंट को जो है वो, एन एम्बुलेंस ब्रिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जो है वो आती है। ब्लैंक नंबर थ्री है, वी गो टू द डैश टू बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज, वी गो टू द डैश, हम कहाँ पे जाते हैं बाय करने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रॉसरी, हम कहाँ से खरीदने के लिए जाते हैं? तो वी गो टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज ऑल्सो। ब्लैंक नंबर नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, वी शुड नॉट लेट डैश वाटर कलेक्ट अराउंड आर हाउस, वी शुड नॉट लेट डैश वाटर, हमें किस किस्म का पानी जो है वो कलेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, अपने घर के इर्द गिर्द कैसा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो वी शुड नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड आर हाउस, यानी अपने घर के इर्द गिर्द जो है वो हमें जो गंदा पानी है उसको जमा जो है वो नहीं करना चाहिए।
आई थिंक सो कि आप लोगों को माई नेबरहुड के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है, और ताकि इसको आफ्टर वेकेशन जो है वो आप लोग पेपर में आके अच्छे से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।